वॉइस। रवि तेजा अपनी नई फिल्म रावणासुर बॉक्स ऑफिस पर लेकर आ गए हैं और गाइज आज इस मूवी को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर किया गया है रिलीज और जिस तरह से इस मूवी को रिस्पांस मिल रहा है वो देखकर कह सकते हैं कि ये मूवी आराम से बॉक्स ऑफिस पर हिट का टेक ले सकती है क्योंकि इस मूवी का जो बजट है वो भी काफी ज्यादा कम है। तो गाइज अगर बात कर ले इस मूवी की डिटेल्स की तो ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर मूवी है और वही इस मूवी में रवि तेजा के साथ सुशांत मेघा आकाश जैसे कलाकार नजर आए हैं। गाइज मूवी बनी है सुधीर वर्मा के डायरेक्शन में और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अभिषेक नामा और रवि तेजा ने। गाइस अगर बात करें बजट की तो इस मूवी का बजट है 35 करोड़ रुपए और वहीं इस मूवी ने रिलीज से पहले ही 27 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी जिसके चलते ये मूवी पहले से प्रॉफिट में तो नहीं है बट फिर भी अच्छी रिकवरी करके ये मूवी अब बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई करती चली जा रही है। और गाइज इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया है 1150 स्क्रीन पर और वैसे भी साउथ को मूवीज जो होती है उनको कम ही स्क्रीन मिलती है बट कम स्क्रीन मिलने के बावजूद फैन फॉलोइंग अच्छी होने की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कर जाती है काफी धमाकेदार कमाई। और गाइस अगर बात कर ले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी को वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो इस मूवी के रिव्यूज हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं और रिव्यूज पॉजिटिव होने की वजह से ये मूवी अपने पहले दिन ठीक ठाक ओपनिंग लेते हुए नजर आ रही है। तो गाइज ये मूवी अपने पहले दिन इंडियन ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है लगभग 6 करोड़ रुपए का तो वहीं ये मूवी अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है लगभग 8 करोड़ रुपए का। इसका इस पहला दिन और 8 करोड़ रुपए और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 40 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो अब देखना ये है कि रवि तेजा की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है या फिर नहीं। तो गाइज अगर आप लोग भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर देखने जा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।